या तो जो चर्च है वो पवित्र स्थान नहीं, पवित्र स्थान में आता नहीं है, और यदि पवित्र स्थान है तो फिर हम गलत हैं कि हम जूते चप्पल पहनकर आ रहे हैं और परमेश्वर की उस आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं कि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है, इसलिए तू अपनी जूती चप्पल उतार दे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बधाई से आशीष दे, आमीन। आज एक बहुत बड़ा सवाल है ईसाई समाज के लिए, ईसाई समाज के लिए एक बहुत बड़ा सवाल, क्या चर्च में या पवित्र स्थान में जूते चप्पल पहनकर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो ईसाई समाज के लिए है और ईसाई समाज के सामने है, क्योंकि ईसाई समाज एक ऐसा समाज है जो अपने पवित्र स्थान अर्थात चर्च में जूते चप्पल पहनकर ऐसे जाते हैं जैसे वो पवित्र स्थान नहीं है, बल्कि वो एक आम स्थान है, आम स्थान की तरह जो है जूते चप्पल पहनकर चले जाते हैं। और ये जो बात है दूसरों पर गलत असर डालती है कि ये इनका पवित्र स्थान कैसा है जहां जूते चप्पल पहनकर, पता नहीं हम उन जूते चप्पलों को लेकर किन किन जगहों पर गए होंगे, कौन सी गंदी जगहें गई होंगी, कौन सी गंदगी लगकर आई होगी जहां हम जो है अपने चर्च के अंदर या उस पवित्र स्थान में आकर जो है उस गंदगी को छोड़ देते हैं और फिर ऐसे आराधना करते हैं जैसे पूछे मत कि हम कितने पवित्र लोग हैं। आज बाइबल से बहुत सी बातें जो हैं इस बात को लेकर, इसका जो समस्या है खासतौर से जूते चप्पल पहनकर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसको देखेंगे। सबसे पहली बात, जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो हमें कैसे जाना चाहिए। मैं आपको एक पद पढ़ाना चाहूंगा, आप निकाल सकते हैं मेरे साथ, सबोपदेशक 5 अध्याय और उसका पहला पद, बड़े ध्यान से सुनिएगा यहां क्या लिखा है। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे बुरा करते हैं। अब यहां पर जो है, मैं पूरी बात नहीं, सिर्फ एक ऊपर की जो मेन लाइन है उसके विषय में बात करना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी से चलना, सावधानी पूर्वक चलना। अब आप जूते चप्पल पहन के खट्टे पट्ट करके जा रहे हैं, आप कैसे सावधानी से चल सकते हैं। ऊंची एड़ी की सैंडल पहन के आप जा रहे हैं, वहां लचक गए, गिर पड़े, किस तरीके से आप जो हैं आप सावधानी से चल सकते हैं। मगर वो पवित्र स्थान है, वो परमेश्वर का भवन कहलाता है, और वो पवित्र स्थान है और परमेश्वर का भवन कहलाता है, तो इसलिए उसके पास पूरी पवित्रता के साथ जाना चाहिए, पूरी पवित्रता के साथ। अब जब ईसाई समाज के लोगों से इस बात में बातचीत करते हैं तो एक बड़ा सा अच्छा सा जवाब देते हैं। अब जवाब सुनेगा कि साहब जवाब क्या देते हैं, फिर उसको उस जवाब को परमेश्वर के वचन से भी सुनेंगे। जवाब देते हैं कि परमेश्वर जो है वो मनों को देखता है, मन देखता है, दिल देखता है परमेश्वर, ये नहीं देखता है कि आप क्या पहन के आ रहे हैं, आप कैसे आ रहे हैं, आप किस तरीके से आ रहे हैं, ये देखता है। बहुत बढ़िया बात है भाई। देखिए, अगर मन साफ होता है, मन पवित्र होता है, मन धार्मिक होता है, तो सब चीजें जो है ऑटोमेटिक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही जो है वो कार्य करती है। पहली चीज तो यह है। मगर चलिए हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन से ही बात करेंगे। आप निकाल सकते हैं मेरे साथ यिर्मयाह 17 अध्याय और उसका 9 पद। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। अब क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, आप मन की बात कर रहे हैं ना, मगर परमेश्वर का वचन खुद कह रहा है कि जो मनुष्यों का मन है वो सबसे अधिक धोखा देने वाला है, और उसमें कौन सा रोग लगा, असाध्य रोग, ऐसा रोग जो ठीक नहीं हो सकता है, जिसका इलाज ही नहीं है। बताइए साहब, चलिए मन अगर साफ होता तो एक बात को मान भी लेते, मगर परमेश्वर का वचन कह रहा कि मन तो साफ ही नहीं है। अब आप कहोगे साहब ये तो वो पुराने नियम की बातें हैं, पुराने नियम की बातें ज्यादातर खत्म हो गई हैं और आप लोग जो हैं सिर्फ ज्यादातर पुराने नियम से बात करते हैं। चलिए साहब नए नियम से बात कर लेते हैं। नए नियम जो यीशु मसीह की शिक्षा पर आधारित है,
नए नियम की बातें जो जिसके बारे में यीशु मसीह वर्णन करता है वो क्या कहता है। चलो मेरे साथ निकाल लीजिए जरा आप लोग मत्ती की इंजील 15 अध्याय और उसका 8 और 9 पद। ध्यान दीजिएगा, ये लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है, वाह, और वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों के धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह? कह रहा है होंठों से तो मेरा आदर करते हैं, अरे प्रभु बहुत अच्छा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, बहुत सी बातें, मगर क्या कह रहा है कि उनका मन जो है मेरे से बहुत दूर है, मन जो है प्रभु यीशु मसीह में लगा नहीं है, मन के अंदर जो है वो प्रभु यीशु मसीह नहीं है, प्रभु यीशु मसीह मन में नहीं है, होंठों पर है बस उसका, और वो भी होंठों पर यीशु मसीह नहीं है, बस उसका नाम है, होंठों से आदर करते हैं, हाँ साहब प्रभु यीशु मसीह है, बहुत अच्छा है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे लिए ये करता है, हमारे लिए वो करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, उसका वचन देखने को मिलता है, वो पूरा होता है, संसार में देखने को मिलता है, हमारे जीवन में देखने को मिलता है, हमारे घर में देखने को मिलता है, बहुत कुछ है, कहने से कुछ नहीं होता है और करने से होता है, और ये करना कहां से होता है? मन से होता है। और एक बात यहां लिखी है, वो व्यर्थ में आकर मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि क्या सिखा रहे हैं? जो वो सिखा रहे हैं मनुष्यों की विधियों के अनुसार सिखा रहे हैं, जो मनुष्य सिखा रहा है। अब मनुष्यों ने क्या कहा, नियम किसने बनाया कि चर्च में जूते चप्पल पहनकर, पवित्र स्थानों में जूते चप्पल पहनकर जाना चाहिए? ये नियम किसने बनाया? ये नियम बनाया मनुष्यों ने। ये नियम सिखा कौन रहा है? ये नियम सिखा रहे हैं मनुष्य। नहीं साहब, आप जूते चप्पल पहन के जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, वो बेंचे पड़ी हैं और कुर्सी पड़ी है, कुर्सी और बेंचे किस लिए पड़ी रहती कि आप जूते चप्पल पहन के जा सकते हैं। परमेश्वर जो है हमारे मनों को देखता है, मगर यहां तो परमेश्वर ने मन को देखा, तो मन तो दूर है, मन तो कोसों दूर है, अब परमेश्वर मन को देख रहा है। देखिए आप ही लोग कहते हैं कि परमेश्वर मनों को देखता है, मगर दोनों वचन से, पुराने नियम से भी मैंने आपको पढ़ाया और नए नियम से भी, पुराने नियम में कहता है मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तुओं में गिना जाता है, और दूसरी बात कहता है उसमें असाध्य रोग लगा, ऐसा रोग लगा है जो कभी ठीक नहीं होने का। और यीशु मसीह कहता है कि होंठों से तो ये मेरा आदर करते हैं परंतु इनका मन मुझसे बहुत दूर है, और जब मन बहुत दूर है तो व्यर्थ में आकर मेरी उपासना करते हैं। अब वचन क्या सिखाता है, चलिए देखते हैं कि वचन क्या सिखाता है, जरा हम वचन की भी सुन लेते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आप निकाल सकते हैं निर्गमन 3 अध्याय उसका 4 और 5 पद। ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर का वचन जो है वो क्या सिखाता है, और हम जो है किसकी बातों को सीख रहे हैं, हम मनुष्यों की बातों को सीखते हैं, मगर परमेश्वर क्या कह रहा है। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा क्या आज्ञा? उसने कहा इधर मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। ध्यान दीजिएगा परमेश्वर क्या सिखा रहा है, लोग क्या सिखा रहे हैं कि साहब परमेश्वर मनों को जानता है, मगर परमेश्वर क्या कर रहा है। जब मूसा ने देखा एक झाड़ी में आग लगी है और झाड़ी जो है मैं आग लगी हुई परंतु झाड़ी जल नहीं रही है, तो उसको देखने के लिए वो चला, और जब चला तो परमेश्वर ने उसे पुकारा, है मूसा, है मूसा, वहीं ठहर जा और अपनी जूतियों को उतार दे, पांव से उतार दे उन्हें, क्योंकि जिस भूमि पर तू खड़ा है वो पवित्र है। सोचे परमेश्वर ने उसे रोका, मैं रुक जा, पहले जूतियों को उतार, उसके बाद तू मेरे पास आ, जूतियों को पहनकर मत आना, पता नहीं तू कहां कहां गया होगा, और तब तू मेरे पास आना। और मूसा ने क्या करा, जूती को उतारा अपने पांव से, उसने कहा क्या आज्ञा है, परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी। आज हमारे पास ये आज्ञा नहीं है। अब आप कहोगे साहब ये तो व्यवस्था में लिखा हुआ है, व्यवस्था बदल गई, मुझे समझ में नहीं आता, लोग हर पुरानी बात को, जब मूसा की बातों को लेकर जब प्रचार करते हैं, बात करते, तो वो व्यवस्था में आ जाती है, जब अपने मतलब की नहीं होती तो व्यवस्था में आ जाती है, जब अपने मतलब की होती है तो वो व्यवस्था खत्म हो जाती है, फिर वो व्यवस्था की बात नहीं रहती है कि साहब परमेश्वर ने कहा है। फिर तो
देखिए, परमेश्वर ने मूसा को सीनै पर्वत पर सिर्फ व्यवस्था नहीं दी थी, और व्यवस्था लोगों को पता नहीं व्यवस्था है कितनी, कम से कम 12 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कौन सी खत्म हुई है मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। परमेश्वर ने व्यवस्थाएं दी, परमेश्वर ने आज्ञाएं दी, दो प्रकार की आज्ञा दी, एक तो वो जो लिखित रूप से परमेश्वर ने दी, और दूसरी और भी बहुत सी आज्ञाएं दी और नियम दिए और विधियां दी, इतनी चीजें परमेश्वर ने दी थी। मगर ये जो बात कही जा रही है ये व्यवस्था के अंदर नहीं है, क्योंकि उस समय तो व्यवस्था मिली नहीं थी। जब मूसा ने परमेश्वर का दर्शन किया है, यहां पर जो दर्शन कर रहा है, उस समय व्यवस्था नहीं मिली थी। ये समझने की बात है। जो लोग आपको गलत तरीके से सिखाते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो जो है वो परमेश्वर के लोग नहीं है, वो परमेश्वर की शिक्षा को नहीं सिखा रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपना उल्लू जो है वो सीधा करना जानते हैं। अभी बात यही खत्म नहीं होती है, चले यहोशु की बात कर लेते हैं। यहोशु 5 अध्याय उसका 15वां पद पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहोशु 5 अध्याय उसका 15वां पद। यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशु से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशु ने वैसे ही किया। अब यहां क्या लिखा हुआ है कि जिस स्थान पर तू खड़ा हुआ है। अब यहोशु कहां खड़ा हुआ था? यहोशु पवित्र भूमि पर खड़ा था, पवित्र स्थान पर खड़ा हुआ था। और परमेश्वर यहोवा के जो प्रधान है, जो प्रधान स्वर्गदूत है, उसने उससे कहा कि तू अपनी जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। अब दो बातें होती हैं, या तो जो चर्च है वो पवित्र स्थान नहीं है, पवित्र स्थान में आता नहीं है, और यदि पवित्र स्थान है तो फिर हम गलत हैं कि हम जूते चप्पल पहनकर आ रहे हैं और परमेश्वर की उस आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं कि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है, इसलिए तू अपनी जूती चप्पल उतार दे, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। दोनों तरफ से हम गलत हो गए। और जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, तो जैसे आदम जो था परमेश्वर की आज्ञा का जब उसने उल्लंघन किया तो आदम की वाटिका से निकाला गया, ऐसे ही जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो परमेश्वर की आशीषों से निकाले जाते हैं, परमेश्वर की सहायता से निकाले जाते हैं, परमेश्वर की रक्षा और सुरक्षा से निकाले जाते हैं, और परमेश्वर के राज से निकाले जाते हैं। देखिए क्या क्या चीजें हैं यहां पर, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। अब यहां पर क्या है, अब यहां जो है एक सवाल ये खड़ा होता है, क्या मूसा और यहोशु का मन साफ नहीं था? जैसे लोग कहते हैं ना कि मन साफ होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए तो आप जूती चप्पल पहन के आ जाओ। जब परमेश्वर ने यहोशु और मूसा से कहा कि तू अपनी जूती उतार दे, तो इसका मतलब क्या यहोशु और मूसा का मन साफ नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने उनसे जूती उतरवाई? अगर मन साफ होता तो कहते हैं नहीं तेरा तो मन साफ है यहोशु, तू भी जूती पहन के आ जा, मूसा तेरा भी मन साफ है तू भी जूती पहन के आ जा। मन साफ होना चाहिए। उस समय के लोगों का मन साफ था, मूसा का मन साफ था, यहोशु का मन साफ था, मगर इसके बावजूद भी उन्होंने जूती और चप्पल उतारी। आजकल के लोगों का मन साफ ही नहीं है, परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा है, मगर साहब कह रहे हैं हमारा तो मन साफ है, ऐसा पता नहीं कहां से साफ है, किस तरीके से साफ है और कैसे साफ है, ये मेरी समझ से बाहर है, ये परमेश्वर ही जानता होगा ये कैसा है, मगर परमेश्वर बिल्कुल साफ कह रहा है। परमेश्वर ने उनकी जूती इसलिए उतारी है, उतरवाई है कि उनका मन भी साफ था, मगर वो पवित्र भूमि थी। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि जो ईसाई समाज के लोग हैं वो यहोशु और मूसा से कहीं ज्यादा पवित्र हैं, तो वो कुछ भी पहन के आ सकते हैं, कुछ भी पहन के खा सकते हैं, कुछ भी खा पी सकते हैं, कुछ भी पहन के आ सकते हैं, और वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका वो मूसा और यहोशु से ज्यादा पवित्र है, इसलिए परमेश्वर उनसे कुछ कहता है। वचन उनके लिए नहीं था, वचन तो मूसा और यहोशु के लिए था, वचन हमारे लिए थोड़ी है। कितनी गंदगी है दूसरे समाज के जब लोगों को देखते हैं ना, जब दूसरे समाज के लोगों को देखते हैं कि जूते चप्पल को वो बाहर निकाल कर आते हैं, हैं? और बड़े आदर मान सम्मान के साथ अपने जो भी उनके पवित्र स्थान है उनके अंदर जाते हैं, तो बड़ा देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि काश ये ईसाई समाज में भी होता, काश इस तरीके की बातें ईसाई समाज में भी देखी जाती, मगर ईसाई समाज में तो देखी नहीं जाती, क्योंकि ईसाई समाज जो है वो सबसे पवित्र समाज है, सबसे पवित्र समाज में गिना जाता है, उसकी पवित्रता जो है वो बिल्कुल छोटी पर है, और इसलिए वो कुछ भी कर सकता है।
कुछ भी खा सकता है, कैसा कैसे भी कपड़े पहन सकता है और किसी भी स्थिति में परमेश्वर के भवन में आ जा सकता है। चलिए आगे और भी बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या ईसाई समाज के पवित्र स्थान अर्थात चर्च में परमेश्वर वास करता है? नहीं करता है। क्यों? मूसा और यहोशू के समान इनको आज्ञा नहीं देता है परमेश्वर। भाई क्यों आज्ञा देगा? आपके पास लिखित में है, परमेश्वर ने अपना वचन दिया है। वो कहता नहीं, परमेश्वर हमें भी आज्ञा दे मूसा और यहोशू के समान कि ये पवित्र स्थान है। मगर जो परमेश्वर ने हमें लिखित में दिया है हमें उसको मानना है और परमेश्वर का वचन कहता है। और तीसरी बात यहां पर क्या है, क्या ईसाई समाज का चर्च पवित्र स्थान नहीं है? फिर वही बात आ जाती है मगर दूसरी तरीके से। क्या ईसाई समाज का चर्च पवित्र स्थान नहीं है जिसकी पवित्रता की कोई अहमियत नहीं है? अब क्या है, पुराने समय के लोग जो थे, देखिए पुराने समय में क्या था, जब लोग परमेश्वर के भवन में जाते थे तब पता क्या काम करते थे, क्या कार्य करते थे? और ऐसा कार्य जो मूसा के समय में होता था वो कार्य जो है वो आज एक समाज के अंदर देखने को मिलता है, परंतु ईसाई समाज में देखने को नहीं मिलता। मैं पढ़ाना चाहूंगा, मेरे साथ निकाल सकते हैं निर्गमन की पुस्तक 40 अध्याय उसका 32 और 33 पद। यहां क्या लिखा हुआ है पहले इसको पढ़ लेते हैं। और जब जब वे मिलाप वाले तंबू में या वेदी के पास जाते थे तब तब वे हाथ पांव धोते थे जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, और उसने निवास के चारों ओर और वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा कराया और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। अब देखिए यहां पर क्या है, जो मिलाप वाले तंबू यानी जब परमेश्वर ने तंबू का पवित्र स्थान बनाया, पवित्र भवन जो बनाया, जब उसके अंदर लोग परमेश्वर की आराधना या बलिदान कराने या कुछ करने चाहते थे तब चाहे वो अपने घर से कितना भी नहा के क्यों ना आए, वो नहा धो के आते थे, इसके बावजूद भी द्वार के जो परमेश्वर का भवन के बाहर जो था पानी का बर्तन रखे होते थे और वो उसमें अपने हाथ और पैरों दोनों को धोकर तब वो अंदर जाते थे। अब देखिए इंसान नहा के आया है, अब वो वहां से अपने घर से चलकर आया, पता नहीं रास्ते में क्या चीज हो क्या ना हो क्या है, हाथ कहाँ लगे कहाँ नहीं लगे, परंतु वो हाथ पैरों को धोकर जो है वो परमेश्वर के भवन में जा रहा है। और ये चीज जो है ये सिर्फ एक समाज में देखने को मिलती है जो मुस्लिम समाज है। जब वो मस्जिद में जाते हैं तो वो अपने चाहे वो घर से कितना नहा के क्यों ना आए हो, मगर जब वो मस्जिद में जाएंगे जाने से पहले वो अपने हाथ और पैरों को धोते हैं, क्योंकि ये मूसा के समय से चला आ रहा है। परंतु हमारे यहां क्या है, हमारे यहां हाथ पैर धोने की आवश्यकता नहीं है, जूते उतारना उनको बहुत भारी पड़ जाता है। अब वो कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि साहब वो ठंडा है ठंड लग जाएगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, एक दो घंटे के लिए आपको इतनी ठंड लग जाएगी, दूसरे समाज के लोग भी तो हैं। हम सुबह सुबह मैंने देखा है बहुत सी बहनें जो हैं वो ठंड के दिनों में नहा धोकर और वो जो है चप्पल पहनकर जाती हैं और फिर वो मंदिर में पहुंचने पर जो है चप्पल बाहर उतार कर फिर वो नंगे पैर जाती हैं। उनको ठंड क्यों नहीं लगती, उनके लिए ठंड नहीं है। चलिए साहब ठंड मान लेते हैं, ठंड होती आप तो ज्यादा ज्यादा 2 महीने की मान लीजिए ठंड होती है, बाकी महीनों में गर्मी में जो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है उस समय भी तो जूते चप्पल पहनकर इंसान आता जाता है। हम कितना भी अपनी सफाई दे लें हम सफाई से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है कि ईसाई समाज का जो पवित्र स्थान है, जो धार्मिक स्थान है, जो चर्च है, वो पवित्र स्थान नहीं है, वो धार्मिक स्थान है ही नहीं। अब आप कहेंगे कि कलीसिया जो है वो बिल्डिंग को जो है वो चर्च नहीं कहते हैं, बिल्डिंग जो है वो चर्च नहीं। अरे साहब जब आप बिल्डिंग को पवित्र नहीं रख पा रहे हैं तो अपने आप को कैसे पवित्र रखेंगे? परमेश्वर ने क्या कहा वहां पर बिल्डिंग की, जब मूसा को और यहोशू को जब उसने आज्ञा दी तो वहां कोई बिल्डिंग नहीं थी, वो भूमि थी, जमीन थी। वहां पर जमीन की बात हो रही है, भूमि की बात हो रही है, किसी समूह की बात नहीं हो रही है, किसी इंसान की बात नहीं हो रही है।
बड़े समझने की बात है, जैसे उसने नए नियम में क्या कहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें नए नियम से बताइए, ये तो पुराने नियम की बात है। जब नए नियम से उन लोगों को बताते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है। अब यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा कि सब नए नियम में तो ऐसा कुछ नहीं है, नए नियम में तो ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी है कि तू अपने जूती चप्पल को उतार। देखिए अब क्या है, मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। यहां योहन्ना 20 अध्याय और उसका 30 और 31 पद पढ़िएगा, योहन्ना 21 अध्याय उसका 25 पद पढ़िएगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है यदि यीशु मसीह के सारे आश्चर्यकर्म चमत्कार और सारी बातें लिखी जाती तो ये पुस्तक दुनिया में नहीं समाती, इतनी ढेर किताबें हो जाती, रखने की जगह नहीं होती उन किताबों की। इसलिए यीशु मसीह ने सारी बातें नहीं कही। अब जब मन की बात कही तो आप समझ चाहिए कि मन का कनेक्शन कहां है, यिर्मयाह से जोड़ रहा है, और यिर्मयाह का कनेक्शन कहां से है, परमेश्वर की आज्ञा, सॉरी परमेश्वर की आज्ञा से जोड़। चलिए एक बात और पढ़ लेते हैं, यहां क्या लिखा हुआ है, जब आप प्रेरितों के काम और 7 अध्याय उसका 32 और 33 पद पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन जो है जो बात कर रहा है, देखिए मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, बात क्या कर रहा है इससे आप पढ़ लीजिएगा, प्रेरितों के काम 7 अध्याय 32 और 33 पद, स्तेफनुस जो है अब्राहम से लेके मूसा तक जो है परमेश्वर की बातों का वर्णन कर रहा है। जब स्तेफनुस खड़ा होता है और बड़ा लंबा चौड़ा भाषण देता है और बहुत सी बातें बताता है मूसा से लेकर क्या कहते हैं अब्राहम से लेकर मूसा तक और दाऊद तक बहुत सी बातें बताता है, मगर उन बातों के बीच में वो मूसा की उस बात को भी एक्सप्लेन करता है कि उसने कहा कि जब झाड़ी का जो है वो वर्णन करता है कि जब मूसा देखने के लिए गया मुड़ा और जा रहा था तो परमेश्वर ने उसे रोका और कहा कि तू रुक जा क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। इसलिए मैंने आपको रेफरेंस दिया है, वो पढ़ लीजिएगा प्रेरितों के काम 7:32-33। क्यों उसने वो उदाहरण दिया, देखिये नए नियम में है, उस बात की चर्चा क्यों कर रहा है। अगर वो बात इतनी अहमियत नहीं थी, इतनी अहमियत नहीं रखती थी तो वो ये कह देता कि हाँ परमेश्वर ने जो है मूसा को झाड़ियों में दर्शन दिया और वो झाड़ी जो थी उसमें आग लगी हुई थी परंतु वो झाड़ी जल नहीं रही थी और परमेश्वर ने झाड़ियों में दर्शन दिया, बात खत्म हो जाती। ये कहने की क्या जरूरत थी कि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है इसलिए तू अपनी जूतियां उतार दे। अब नए नियम में है, बहुत सी बातें नए नियम में नहीं लिखी गई है और इसलिए तो 27 किताबें हैं। अब यदि मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, चलते चलते एक बात बताना चाहूंगा, यदि नए नियम में से पुराने नियम की बात निकाल दो, सारी बातें पुराने नियम की निकाल देते हैं तो आपके पास 27 किताबें भी ना रहेंगी, मुश्किल से मेरे ख्याल से 5 या 6-7 किताबें आपके पास बचेंगी, क्योंकि पुराने नियम की इतनी बातें जो है नए नियम में है। इसलिए हम ये नहीं कह बचना चाहिए कि साहब ये तो पुराने नियम की, अरे पुराने नियम की बातें तो नए नियम में हैं जो नए नियम में पूरी हुई हैं और नए नियम में जो है पुराने नियम का उदाहरण जो है भरा पड़ा है। आप रोमियो की पुस्तक पढ़ लीजिए, पौलुस जो है कितने उदाहरण देता है, एक ही पुस्तक की बात कर रहा हूं मैं। अगर उस एक पुस्तक को निकाल दोगे जिसमें 16 अध्याय है वो 16 भी ना बचेंगे, 2 या 3 अध्याय बचेंगे सिर्फ। सोचिए आप हमारे पास क्या है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बात को समझने की कोशिश करें, पवित्र स्थान है, चाहे मैं और आप परमेश्वर का मंदिर हैं, इस मंदिर को भी साफ रखना है और जो परमेश्वर के नाम से लिया गया है, जो परमेश्वर के नाम से डेडिकेट किया गया है, जो परमेश्वर के नाम से भूमि ली गई है, जो परमेश्वर के नाम से जिस भूमि पर अभिषेक हुआ है, प्रार्थना हुई है, परमेश्वर के नाम का भवन तैयार किया गया है, उसे पवित्र रखें, उसमें जूती चप्पल पहन कर ना जाए और उसमें कोई ऐसे सोच विचार ना करें और गंदे तरीके से कपड़े पहनकर भी ना जाए जिससे लोग आपके आपको देखें तो उनपे गलत नजर आ पड़े और गलत बातें उत्पन्न, क्योंकि वो पवित्र स्थान है। इस बात को समझिए, प्रभु आप सबको आशीष दे।